देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में भी दरिंदे अपनी दरिंदगी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिवनी में एक युवक ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो आरोपी को तत्काल सीख चौक के पीछे भेज दिया गया है। सिवनी जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रखने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। इस दौरान घनसौर में 5 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस में रह रहे रिश्तेदार ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने से इस मामले का खुलासा हो गया। आरोपी युवक घर पर खेल रही मासूम को बहला फुसला कर अपने घर ले गया था और घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस घटना की जानकारी घनसौर पुलिस को लगी तो तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक संजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। केस रजिस्टर कर उसे जेल भेज दिया गया है। शाम को आए सर, मैं नशा पी के सो गया था सर। शाम को पुलिस वाले ले गया है सर, मैं तो सो रहा था, मेरे को भी याद नहीं, मैं पी खा के सर सो गया था। थाना घनसौर अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने संबंधी मामला आया था। इस पर थाना का स्टाफ और TI श्री मरकाम द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई। मुलजिम संजय पिता मुन्नालाल चौधरी को गिरफ्तार किया गया और विवेचना के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि दुष्कर्म उसने किया है। इस संबंध में फिर आगे कार्रवाई की गई, वर्तमान में उसे जेल दाखिल कर दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।